दलिया बनाने का सरल तरीका, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसको गर्म होने दीजिए। जब गर्म हो जाए तो उसमें डालिए दलिया, ये करीब एक से सवा कप। उसको ठीक से भून लीजिए, मिक्स कर दीजिए। देखिए खुशबू भी आने लगा है घी का और साथ में दलिया भूंज रहा है। और इसको थोड़ा चलाते रहिए ताकि घी अच्छी तरह से सब जगह। 5-7 मिनट भूनने के बाद उसको निकाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा घी और डाल करके इसमें डालिए मूंग दाल। मूंग दाल कितना होगा? मूंग दाल जितना हमने दलिया डाला है उसका आधा, यानी कि हमारा 125 कप के करीब दलिया था, तो ये 1.25 कप से थोड़ा कम है। अब इसको भी उसी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। इसके बाद सब्जियां काट लें। इसमें कटे हैं प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, बीन्स, फूल गोभी, बंदा गोभी, गाजर, जो सब्जियां आपको पसंद हो उसको छोटे छोटे काट लीजिए। और साथ में रखिए मसाले। मसालों में है तेजपत्ता, कच्चा मिर्चा, लौंग, इलायची, दालचीनी और जीरा। अब इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें डालेंगे करीब करीब 4 चम्मच सरसों का तेल। और इसके साथ पानी इसमें जो लगेगा करीब 4 कटोरी, समझ लीजिए जितना सामान है उसका 4 गुना पानी लग जाएगा, क्योंकि दलिया काफ़ी पानी खींच लेता है। तो इस पानी को पहले हम लोग गर्म करने रख देंगे। ये पानी गर्म होता रहेगा और इधर हमारा सरसों का तेल भी गर्म हो रहा है। सरसों का तेल एक बार गर्म हो जाए और फिर एक एक करके सब्जी डालने से पहले सारे मसाले डाल देंगे। मसाला पहले आपने देख लिया है, मसाला इसी तेल में फ्राई हो रहा है। और इसके जलने से पहले हम लोग डाल देंगे प्याज। प्याज भुनेगा थोड़ा सा, मसाले के साथ धीरे धीरे प्याज का कलर बदलने लगेगा। आप जानते ही हैं कि समय देना पड़ता है। प्याज काफी हो चुका है, बहुत खूबसूरत कलर। अब धीरे धीरे सारे सब्जी डालेंगे। जितने भी सब्जी है इनको डालेंगे, जो पकने में ज़्यादा टाइम लगे उसे पहले डाल दें। और इसको थोड़ा सा पका लें। थोड़ी देर के बाद बाकी के कटे हुए सब्जी भी इसमें पड़ने लगेगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट को थोड़ा सा लिक्विड कर दीजिए और उसके बाद इसको बीच में डाल दीजिए, वो पकता रहे। उसके बाद कटे हुए टमाटर,
सारे सब्जी अब चले गए, मसाले चले गए और अदरक भी पड़ गया इसके अंदर। अब डालें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और करीब करीब मसाले का काम खत्म। अब ये सब्जी सारे मसालों के साथ प्रेशर कुकर के अंदर पक रहा है, लेकिन अभी प्रेशर दिया नहीं है। बहुत खूबसूरत सा महक, देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब इसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए और इसको सारे को एक साथ पकने दीजिए। अब हमने जो दलिया और दाल को भुना था, फ्राई किया था, थोड़ा सा फ्राई मतलब भुना था, उसको फिर धो लिया है, अब मिक्स कर दिया है और अब ये इन सब्जियों के बीच जा पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब डाल दीजिए नमक, इतना तो नमक लगेगा ही, बहुत अच्छे नमक हो गया। और थोड़ी सी इसमें चीनी भी डालेंगे, ये समझ लीजिए 1.5 चम्मच के करीब। और ये मसाला पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला इसके बाद पड़ेगा। एक चम्मच या थोड़ा कम, इसमें और भी स्वाद आने लगेगा, बहुत और क्या। सारे को मिल गए, सारे अब मिल गए हैं एक साथ। अब और कुछ नहीं पड़ना है, सिर्फ पानी जो कि इधर उबल चुका है, काफ़ी गर्म हो गया है पानी। पानी को लेकर के कुकर के अंदर पानी तुरंत खोलने लग गया है। अब इसका सारा काम खत्म, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सब पड़ गए, मिक्स हो गया, गर्म हो गया, पानी भी पड़ गया, पानी खोल भी रहा है क्योंकि पहले से ही गर्म था। अब हम इसमें प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। वेरी गुड, अब इसको अपने आप होने दें, जो मेहनत करना था सब इसमें चला गया है। अब इसका काम है आपको दलिया आपके प्लेट तक पहुंचाने का, इनको पकने दीजिए। वाह, प्रेशर कुकर भी अपना काम कर रहा है, बड़े
बड़े आराम से प्रेशर कुकर में खोखरा हो रहा है। इसी तरह से दो या तीन सीटी आप लगा लीजिए इसमें। एक बार तीन सीटी लग जाए, बच जाए, उसके बाद इसको प्रेशर के अंदर ही आप पकने दीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद ढक्कन को खोला गया। आप देखिए जितनी खूबसूरत इसकी खुशबू, उतना ही सुंदर कलर, और सारे सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, सारे घुल मिल गए हैं। अब ये प्लेट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब इसको सर्व कर लीजिए प्लेट पर, डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा है, और ये सुंदर दलिया का आनंद लीजिए। पौष्टिक, स्वादिष्ट और पूरी तरह से खाने के लिए मज़ेदार। इस पर थोड़ा घी भी डाल दीजिए, और भी मज़ा आ जाएगा। घी का भी स्वाद लीजिए और इसको इसका आनंद लीजिए।